मुझे पर्सनली अच्छा लगा इसके अंदर, जितने भी उन्होंने एक्टिंग किया वो भी अच्छी लगी। और अगर आप रणबीर कपूर के फैन हैं तो आपको डेफिनेटली ये पिक्चर अच्छी लगेगी। और फिर इसमें रश्मिका मंदाना का जो एक्टिंग है वो भी अच्छा है। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे गुरु ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मूवी रिलीज हो चुकी है एनिमल, और उस मूवी को मैं देखने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी चलिए एंजॉय करते हैं। चलो ओके, मिलते हैं फिर वहाँ थिएटर के पास। तो फाइनली दोस्तों मैं थिएटर के पास पहुँच गया हूँ और टिकट ले लिया हूँ मैं। 310 रुपये का टिकट है। एक्चुअली टिकट का जो रेट है वो 255 रुपये है, और उस पर जो GST लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तो 9% GST लगाया है, और सर्विस चार्ज इनका है 7.5 रुपये, ऐसा सब मिला के 310 रुपये का मुझे टिकट पड़ा है। और मैंने लिया है सिल्वर टिकट। 5:20 पे शो चालू होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आया हूँ आईनॉक्स में। यहाँ पर देखो सामने दिख रहा है, ये जो थिएटर है ये आईनॉक्स का थिएटर है, और ये आता है निगड़ी के अंदर। वड़ा पाव यहाँ का सबसे फेमस है महाराष्ट्र का, और चाय, चाय के साथ वड़ा पाव खा लिया है, थोड़ा जान में जान आई है। अब आगे हम चल रहे हैं, अपने शो का टाइम हो गया है, 5:20 हो गया है, तो अभी चलते हैं। 5:17 हो रहा है, 3 मिनट अपने पास बचा है, अभी अंदर चलने का थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर वहाँ चल के अंदर मूवी देखते हैं और रिव्यू करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं इसके अंदर, मूवी लग चुकी है तो हम चलते हैं, देर नहीं करते हैं और मूवी को पूरा एंजॉय करते हैं। चलो करेगा ना 5:20 का शो। तो किस इस तरह से दिखता है यहाँ का थिएटर, ये जो फेम विलेज थिएटर है, देखिए इसके अंदर का। अब यहाँ पे नंबर लगाना है तो मैं इसके अंदर टिकट निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये काउंटर है यहाँ पे, टिकट काउंटर, और यहाँ पे बहुत सारे से लगे हुए। तो कौन से पिक्चर देखने आए आप? हम टाइगर 3 देखने आए। टाइगर 3 देखने आए? तो जानवर देखने नहीं आए? नहीं एनिमल। मल्टीप्लेक्स थिएटर के अंदर इतनी ज्यादा गर्दी वॉशरूम के अंदर मैं पहली बार देखा, आप लोग भी देखिए। तो रश्मिका मंदाना को भी मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतने हद तक वो इतना बोल्ड सीन कर सकती है। सीन तो है बहुत ही ज्यादा वायलेंस वाला है। हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो बॉबी देओल का रोल है वो तो मुझे पहले से शक हो गया था ट्रेलर देख के कि बॉबी देओल गूंगा है इसमें। इतना जबरदस्त उसका रोल दिखाया बॉबी देओल का कि इतना भारी विलन है कि रणबीर कपूर जो है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना खतरनाक दिखाया स्टार्टिंग में। और उसके बाद स्टार्ट होती है मूवी, तो उसमें मूवी में दिखाया कि एकदम बूढ़े का रोल किया है, एकदम अजूबा बाबा का रोल किया है, तो वो एक गेटअप है। और फिर उसके बाद में 2 गेटअप हो गया, और तीसरा गेटअप जो दिखाया गया है कि जवानी का जो गेटअप दिखाया गया है उसमें लंबे बाल है, स्टाइलिश है, वो वाला मतलब एक्टिंग थोड़ा सा उसका पर्सनली ये हर मूवी से मिलता जुलता है। तो एक रोल है, 3 रोल हो गया, और चौथा रोल जो है उसका लंबे बाल लंबे दाढ़ी एक गैंगस्टर का गेटअप दिखाया गया है। तो ये 4 गेटअप रणबीर कपूर के जो काफ़ी मुझे पर्सनली अच्छा लगा, इसके अंदर जितने भी उन्होंने एक्टिंग किया वो भी अच्छी लगी। और अगर आप रणबीर कपूर के फैन हैं तो आपको डेफिनेटली ये पिक्चर अच्छी लगेगी। और इसमें रश्मिका मंदाना का जो एक्टिंग है वो भी अच्छा है, और इसमें जो अनिल कपूर ने एक्टिंग किया वो भी ज़बरदस्त एक्टिंग किया है। उसके बाद इसमें अनिल कपूर के साथ साथ जो विवेक ओबराय के बाप है उनका भी अच्छा रोल है, उन्होंने दादा का रोल किया है। तो ये जो 5-6 करेक्टर है उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्टिंग किया है, इन लोग का एक्टिंग अच्छा लगा मुझे। बट पिक्चर की स्टोरी लाइन मुझे पसंद नहीं है, इतनी लंबी पिक्चर खींचने की जरूरत ही नहीं थी। ये पिक्चर बहुत लंबी है, 3.5 से 4 घंटा पक जाता आदमी। एडवर्टाइज के साथ में अगर आप देखेंगे थिएटर के अंदर तो 4 घंटा लग जाता मोस्टली पिक्चर को ख़त्म होने में, और ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। दूसरी चीज़ ये नहीं पसंद में आया कि इसमें हद से ज़्यादा इन्होंने बोल्ड लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, जो लैंग्वेज आदमी पर्सनल अपने बेडरूम में इस्तेमाल करता है, या पर्सनल दोस्तों के साथ इस्तेमाल करता है, या अपने कपल के साथ इस्तेमाल करता है, ये लैंग्वेज इन्होंने ये मूवी के अंदर पूरा भर दिया है। तो इससे एक साफ समझ में आता है कि ये मूवी जो बनाई गई है यंग जनरेशन जो है दोस्तों उनके लिए ये मूवी बनाई गई है, उसमें भी जो खास करके कॉलेज के जो 18 प्लस है उनके लिए ये मूवी काफ़ी अच्छी वो लोग को लग सकती है, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा जो सीन दिए हैं और जितने ज़्यादा बोल्ड लैंग्वेज दिए गए हैं ये मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है। ऐसी ऑडियंस उनको चाहिए जो कॉलेज वाली ऑडियंस है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।